वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ भारत के तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन अंबेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष जसपाल सिंह वाल्मीकि ने की तथा संचालन प्रदेश महासचिव वीरेश कुमार राही ने किया। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ भारत की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋतुराज राही मौजूद रहे। बैठक में मुरादाबाद मंडल से आए तमाम विभागों से, जैसे शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बैंक विभाग, पंचायत विभाग, रेल विभाग, नगर निगम विभाग से आए सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और संघ के मंडल अध्यक्ष सतीश पारसा ने कहा कि मौजूदा सरकार समाज एवं कर्मचारी और अधिकारियों का शोषण कर रही है, जो बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। संघ के प्रदेश महामंत्री सत्यम राही ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ठेका प्रथा जल्द खत्म करने के साथ साथ नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने का कार्य करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले 2022 के चुनावों में परिणाम भुगतने को सरकार तैयार रहे। अंत में संघ के प्रदेश अध्यक्ष जसपाल सिंह वाल्मीकि ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रही है, जो उसे जल्द करनी चाहिए, नहीं तो कर्मचारी आगे भी और आंदोलन करता रहेगा। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित जसपाल सिंह वाल्मीकि, ऋतुराज राही, दिनेश कुमार राही, सत्यम राही, राजू पारछा, राजवीर सिंह, सतीश पारछा, अमरदीप वाल्मीकि, सुनील रावण, राजकुमार वाल्मीकि, विकास शीतल, मनीष वाल्मीकि, राजीव, मनीष सागर आदि लोग उपस्थित रहे। आज वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के तत्वाधान में अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक का आयोजन करने का मेन उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी काबिज है। हम आपके माध्यम से अपने समाज की और अपने कर्मचारियों की बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से विभागों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी भर्ती की जा रही है, सारे विभागों को बेचा जा रहा है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, रेल विभाग हो, आपका बैंक विभाग हो, तो इस प्रकार की सोच से सरकार की वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ बहुत निंदा करता है और सरकार से ये अनुरोध करता है, प्रार्थना करता है कि ऐसा ना करते हुए, चाहे वो नगर निगम विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, स्थायी भर्ती निकाली जाए और जो पूर्व में जो कर्मचारी रखे हुए हैं, चाहे वो नगर निगम में हो या किसी विभाग में हो, उनकी वेतन बढ़ोतरी की जाए और उनको स्थायी कर्मचारी के रूप में जो है उनको कार्यरत किया जाए। तो इसमें हम सरकार से ये अनुरोध भी करते हैं और साथ ही साथ मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, सरकार को कहीं ना कहीं कर्मचारियों समाज के लिए सोचना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में कर्मचारी पूरे भारत का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का कर्मचारी में आक्रोश है। 2022 के चुनाव में सरकार को पूरी तरीके से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।